जय श्री कृष्णा। लाइव सेशन के माध्यम से आपको मैंने पहले भी आने वाले समय के बारे में कई बार पहले से अवगत कराया है, और आज ये जो 1 तारीख से दिन शुरू हुए हैं इस के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो 2 तारीख से 11 तारीख तक का समय है हम लोगों के पास में, ये समय एक ऐसे खतरनाक समय को दिखा रहा है, एक ऐसे टाइम फ्रेम को दिखा रहा है जिसको सदियों के बाद में देखा जाता है। मतलब कई सदी के बाद में ग्रहों का ऐसा योग, ऐसा ट्रांजिट, ऐसी युति बनती है जो कि कई प्रकार के परिवर्तन को हमारे सामने लेके आती है, और ये परिवर्तन अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग ये कहिए कि डायरेक्शंस के अंदर, अलग अलग अग विभाग के अंदर बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं। क्योंकि इस समय के ऊपर ग्रहों के ऐसी युति जो दुनिया को दुख भोगने पर मजबूर करती है, समस्याएं बढ़ती जाती हैं जिनका कोई भी उपाय हम लोगों के पास में नहीं होता, केवल प्रभु भक्ति के माध्यम से इनको कम किया जा सकता है। और दुनिया ऐसे विवादों में फंसती हुई नज़र आती है जिसके बाद में उसको बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। तो दुनिया की इसी स्थिति को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, और साथ के साथ भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में भी जानकारी मैं आप लोगों को दोबारे से देने वाला हूँ। टाइम 2 मई से लेके 11 मई तक का दुनिया के अंदर कई प्रकार की चुनौतियों का टाइम है, कई प्रकार के बढ़ते हुए विवादों का टाइम है। क्योंकि वृषभ राशि अर्थ है, ये कहिए कि वृषभ राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र एक ही राशि में कंजक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये 5 ग्रहों का कंजक्शन जो केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अगर मैं इस बात को ये कहिए कि मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से देखूं तो 6 ग्रहों का कंजक्शन यहाँ पे दिखाई देता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़े संकट का समय निकाल के लेके आता है। और इस संकट के समय में केवल पृथ्वी नहीं, सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होते हुए नज़र आते हैं। साथ के साथ ये कठिनाइयों का समय आने वाले 2 महीने के निर्धारण को आगे बढ़ाता है। मतलब ये कहिए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि जो इस समय के अंदर स्टार्ट हो वो आने वाले 2 महीने तक रेगुलर चलती हुई नज़र आएंगी। मतलब 2 महीने तक उनमें ना तो कोई अप्स आएंगे ना कोई डाउन आएंगे। ये 6:09 दिल्ली की कुंडली की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 ग्रहों की युति दिल्ली के 7th हाउस के अंदर बन रही है। 7th हाउस में जो पड़ोसी देशों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर दिल्ली की कुंडली से पड़ोसी देश को रिप्रेजेंट करती हुई कोई चीज़ दिखाई देती है तो इसका मतलब है बाहरी देशों का भारत के मध्य में किसी ना किसी प्रकार का इंटरफेरेंस, किसी ना किसी प्रकार के विवादित मामले, किसी ना किसी प्रकार का नए नीति नियम को स्थापित करना दिखाई देता है। और जो आने वाले समय के अंदर भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए पूरा लाइफ चेंजिंग टाइम क्रिएट होता हुआ नज़र आता है, और ऐसा टाइम क्रिएट होता है जो अपने भारत के मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएगा, साथ के साथ पड़ोसी देश के मूवमेंट्स विवादों के साथ में पीछे हटते हुए नज़र आते हैं। कई प्रकार के आंतरिक मुद्दों का सुलझना इसी टाइम के ऊपर दिखाई देता है, जो कि बड़ी बड़ी मतलब ये कहिए इंटरनेशनल लेवल की जो कोर्ट्स होती है उन कोर्ट के अंदर इस प्रकार के मुद्दे सुलझाने दिखाई देती हैं। जैसे पीओके के अंदर अभी ये बोला जा रहा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं, जब अपने सिर के ऊपर पड़ी है तो उन्होंने वहाँ से हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार के आगे कोई नए फैसले निकल के भारत के समक्ष में आ सकते हैं जो भारत के सपोर्ट के अंदर हो और 100% सपोर्टिव हो। सबसे ज़्यादा सावधान रहने का समय है इस समय के अंदर भारत के लिए। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयाँ अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग जगहों के ऊपर देखने को मिल सकती है। कई प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस, कई प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय के ऊपर प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है, जो लोगों को प्रभावित भी करेगा। बाहरी देशों का नीति नियम को लेके कई प्रकार के सवाल उठाना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर भारत की छवि खराब करने के लिए किसी ना किसी मीडिया वाले का कोई ऐसा शब्द बोलना जो भारत के लिए कोई बयान हो जो गलत हो, जैसा अभी थोड़े दिनों पहले यूएसए के द्वारा एक बयान आया था, तो उसी प्रकार के बयान का दोबारे से आता हुआ दिखाई देना ये दिखाता है भारत अपने आंतरिक मुद्दों को
बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से सुलझाता हुआ नजर आता है, लेकिन आंतरिक मुद्दों के विवाद उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं, जो सरकार के अंदर अस्थिरता दिखाई देती हुई नजर आएगी, जिसका निर्धारण करने का हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे से निर्धारित करते हुए, मतलब उसको बहुत ही नीति नियमों को डालते हुए, उनको समझाते हुए, और भारत के लिए किसी भी प्रकार की परेशानियां ना क्रिएट हो इस बात को ध्यान में रखते हुए नजर आएंगे। साथ के साथ नई फॉरेन पॉलिसीज निकल के सामने आ सकती हैं, और भारत की जनता के लिए ऐसे कानून उत्पन्न हो सकते हैं जो भारत को कई सालों से इंतजार था, भारतीय जनता को उन कानूनों का कई सालों से इंतजार था। इस प्रकार के कानून भारत के लिए निकल के सामने आ सकते हैं, जैसे यूसीसी हो गया, ठीक है, इसके बाद में यूसीसी अभी तो एक ही जगह के लिए है, अभी आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है पूरे भारत के अंदर कोई एक बड़ा फैसला निकल के आ जाए, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला जो भारत के कानूनों के अंदर बड़ा बदलाव कर सकता है, सरकार के द्वारा कोई ऐसे चेंज जो संविधान के अंदर बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें इस नियम के अनुसार भारत की कुंडली के अंदर दिखाई दे रही है। और जो ग्रहों की स्थिति के अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करता हूँ, तो ये पूर्ण रूप से 100% पावरफुल टाइम दिखाई दे रहा है। साथ के साथ पब्लिक प्रोटेस्ट, नीति बदलाव, आंदोलन, आग की घटनाएँ और भारत की जनता के अंदर अस्थिरता इस समय के अंदर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से भारत की कुंडली में स्थिरता है, लेकिन भारत की जनता के अंदर अस्थिरता दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत के अंदर विवादों की समस्या उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। दक्षिण भारत नए पड़ावों में अपने आप को दिखाता हुआ नज़र आएगा और जो चर्चा का विषय बना रहेगा मीडिया के अंदर। साथ के साथ प्रकृति का बहुत बड़ा रोल इस समय पर रहने वाला है। प्रकृति कई प्रकार के आयामों को बदलेगी, जिसके कारण मनुष्य को हानि पहुंचेगी, मतलब बड़े लैंडस्लाइड हो सकते हैं, बारिश के अंदर बहुत बड़े तूफान, बहुत भयंकर बारिश उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती है, कई प्रकार की आंधी के कारण परेशानियां दिखाई दे सकती हैं उत्तर भारत के अंदर, और मॉनसून इस समय के ऊपर बड़ा कहर ढाता हुआ नज़र आ सकता है बहुत सारे स्थानों के ऊपर, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू के भागों के अंदर। तो इस समय के ऊपर ये सारे चेंजेस हम लोगों को आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देंगे, जिसकी नींव इन्हीं 10 दिन के अंदर पड़ेगी, वो 2 महीने तक रेगुलर चलता हुआ नज़र आएगा। अगर 2 महीने के लिए मैं बात करता हूँ, मतलब कोई भी घटना ऐसी घटित हुई जो मीडिया के अंदर आ गई, तो वो 2 महीने तक रेगुलर चलने वाली है, वो बार बार रिपीट टेलीकास्ट के अंदर दिखाई जाती जाएगी, और बड़े लेवल के ऊपर इसको ये कहिए कि एम्पलीफाई भी किया जाएगा। तो आज का वीडियो भारत के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे को इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आने वाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।